नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है केजरीवाल के पुराने साथी और कवि कुमार विश्वास की, वो भी उनके चिरपरिचित अंदाज में, रामचरितमानस की चौपाई के जरिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुमार विश्वास ने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट की है, जिसमें लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कवि कुमार विश्वास केजरीवाल के पुराने साथी हैं। 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में कुमार विश्वास और केजरीवाल की हुंकार आपको याद होगी। गुरुवार रात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो कुमार विश्वास ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए उन पर निशाना साधा। इस चौपाई का अर्थ ये है कि दुनिया में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई का वर्णन कर्म और दंड के संदर्भ में किया है। कुमार विश्वास इस ट्वीट के जरिए यही दर्शाना चाहते हैं कि केजरीवाल शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में शामिल हैं और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल और कुमार विश्वास 2005 से एक दूसरे के साथी रहे हैं, लेकिन 2012 में अन्ना आंदोलन के दौरान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 2014 में कुमार विश्वास यूपी के अमेठी से चुनाव भी लड़े, लेकिन 25,000 वोटों से हार गए। कुमार विश्वास ने बाद में आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की थी जिसने उन्हें बड़ा नेता बनाया, लेकिन अब केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल में है। केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगर लंबे समय जेल में रहना पड़ेगा तो उनकी पार्टी कह रही है वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। किसी मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का ये पहला वाकया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा अपडेट और इसके असर का अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।